Hello, good morning to all of you, and I welcome you all once again to my channel Explore Education. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And we are talking about learning and learning theories of behaviorism, in which today I am going to discuss a very prominent behavior psychologist, B.F. Skinner. Okay. And the lecture will be in bilingual mode, and do subscribe my channel, and this lecture will be very useful for various examinations because B.F. Skinner is the most prominent behaviorist. So let's start. First of all, हमने बात कर ली थी किसकी? कल हमने बात की थी थॉर्नडाइक की, E.L. Thorndike's theory of learning की, कि उन्होंने क्या बताया कि अधिगम का सिद्धांत क्या है. इसी क्रम में हमको पावलोव और स्किनर की बात करनी है. ओके, कोई नहीं, पहले स्किनर पेवलॉफ की भी बात करनी है, पेवलॉफ की बात कर लेंगे, पहले स्किनर की बात कर लेते हैं. तो स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिस्ट थे. तो स्किनर की जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, मतलब कंडीशनिंग के दो टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें से कि स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक माने जाते हैं. उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया. तो इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ने से पहले हमने सोचा कि हम पहले बी एफ स्किनर को पढ़ लें, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि बहुत काम है इनका, बहुत इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजी पे. तो इसलिए एक्सक्लूसिवली फॉर स्किनर ये वीडियो मैं बना रही हूँ. तो स्किनर कौन थे? वॉज अट्रैक्टेड टू साइकोलॉजी थ्रू द वर्क ऑफ द रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस, आर्टिकल्स ऑन बिहेवियरिज्म बाय बर्ट्रेंड रसल एंड द आइडियाज ऑफ जॉन बी वॉटसन द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. मतलब जो स्किनर थे वो कैसे साइकोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुए, ये साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं की थी इन्होंने, ये लिटरेचर के स्टूडेंट थे. लेकिन इवान पावलोव ने जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में बात की, बर्ट्रेंड रसल साहब बिहेवियरिज्म पे आर्टिकल लिख रहे थे, और जॉन बी वॉटसन जिन्होंने बाद में थॉर्नडाइक के कनेक्शनिज्म और पावलोव की कंडीशनिंग को बिहेवियरिज्म में लेकर आए, वो जो बिहेवियरिज्म के जनक माने जाते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर स्किनर साहब साइकोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुए. He rejected not just the introspection method and the elaborate psychoanalytic theories of Freud and Jung, but any psychological explanation based on mental states or internal representations such as beliefs, desires, memories and plans. मतलब B.F. Skinner साहब ने introspection method को भी reject किया. हमने जब मैंने methods of educational psychology की बात की है, वहाँ पे उस video में introspection को समझाया है. तो introspection method इन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है. फिर इन्होंने psychoanalytic theories को भी डिस्कार्ड किया, जो कि फ्राइड और जंग साहब जिसपे के बारे में बात कर रहे थे. और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि सभी बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि कोई भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, बिलीफ, डिजायर, मेमोरीज, प्लान, परसेप्शन की ज़रूरत नहीं है आपका व्यवहार समझाने के लिए. तो मतलब इन्होंने कॉग्निटिविज्म तो है तभी आया ही नहीं था, इसके बाद कॉग्निटिविज्म आता है. तो इंट्रोस्पेक्शन की, मेंटल स्टेट्स की और साइकोएनालिटिक थेरीज को सबको ये रिजेक्ट करते हैं. फिर स्किनर आर्ग्यूड दैट द गोल ऑफ ए साइंस ऑफ साइकोलॉजी वॉज टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर फ्रॉम इट्स करेंट स्टिमुलस सिचुएशन एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ रीइन्फोर्समेंट. स्किनर का ये तर्क था कि जो साइंस ऑफ साइकोलॉजी है उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनिज्म्स बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति का जो जीव है उसका व्यवहार हम प्रिडिक्ट कर पाएं और कंट्रोल कर पाएं, यानी कि नियंत्रित कर पाएं उसके व्यवहार को, और ये भविष्यवाणी कर पाएं कि वो भविष्य में कैसा बिहेव करेगा फ्रॉम इट्स करेंट स्टिमुलस सिचुएशन एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ रीइन्फोर्समेंट. जो हम उसको तात्कालिक स्टिमुलस दे रहे हैं उसके बिहाफ पे, और जो उसका पुनर्बलन का सिद्धांत रहा है उसकी इतिहास के हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, यही साइंस ऑफ साइकोलॉजी का गोल होना चाहिए. He was ranked by the American Psychological Association as the 20th century most eminent psychologist. APA ने 20वीं शताब्दी के सबसे इमिनेंट साइकोलॉजिस्ट में उनकी रैंकिंग की है, बी एफ स्किनर साहब की. Then, बेस्ट नोन फॉर, हमको जानना है कि कहाँ कहाँ किस किस सिद्धांत से, किस किस उपलब्धि से स्किनर साहब संबद्ध रहे हैं. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आई थिंक बहुत से लोग, मतलब सभी जानते हैं ऑपरेंट की, बी एफ स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक है. इसके अलावा जो हम कम जानते हैं, शेड्यूल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट जो इन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बताया, वो स्किनर बॉक्स
स्किनर बॉक्स वो अपेरेटिस था जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी थियोरी में, अपने प्रैक्टिकल में, अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो भी एक इनकी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है जो जनरली हम लोग नहीं जानते कि स्किनर बॉक्स भी कोई एक उपलब्धि है। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अपेरेटिस है जो उन्होंने बनाया। क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर ये भी वो तब बना रहे हैं जब अपना एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर भी एक उपलब्धि के रूप में बाद में बिहेवियरल साइकोलॉजी, इवन साइकोलॉजी में ये आज तक इस्तेमाल किया जाता है। रेडिकल बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिस्ट तो हैं ये, पर ये रेडिकल बिहेवियरिस्ट हैं। फिर टीचिंग मशीन का भी ये बना रहे हैं, टीचिंग मशीन। देखिए बिहेव साइकोलॉजी से ये बाद में टेक्नोलॉजी में चले आ रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी है कि जब इनका इनकी इनकी डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई पढ़ने लिखने के लिए, किसी क्लास में थी, तो फिर तब उसकी पढ़ाई लिखाई से इन्होंने देखा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई उस तरीके की नहीं है जैसा होना चाहिए, री इन्फोर्समेंट का रोल नहीं है टीचिंग में, तब ये टीचिंग मशीन लाते हैं और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इतनी इतने कंसेप्ट हैं जिनके के लिए स्किनर साहब जाने जाते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ही फाउंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे अलग से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ही फाउंड दैट बिहेवियर डिड नॉट डिपेंड अपॉन द प्रीसीडिंग स्टिमुलस एज वॉटसन एंड पैवलोव मेंटेन्ड। मतलब वॉटसन ने और पैवलोव ने क्या कहा, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है। क्लासिकल कंडीशनिंग में वो क्या बात करते हैं कि पहले स्टिमुलस दिया जाता है तब रेस्पॉन्स करता है ऑर्गेनिज्म। तो ये कहते हैं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले स्टिमुलस हो तभी हम रिस्पॉन्स करें। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने सिंपलिस्टिक थोड़ी है कि आप स्टिमुलस देंगे तभी रिस्पॉन्स करेंगे, वो स्वतः भी रिस्पॉन्स करते हैं। इंस्टेड स्किनर फाउंड दैट बिहेवियर्स वर डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर द रिस्पॉन्स। बल्कि वो कहते हैं कि बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स के बाद जो हो रहा है, यानी रिस्पॉन्स के बाद आपको थ्रेटनिंग इफेक्ट मिल रहा है कि रिवॉर्डिंग इफेक्ट मिल रहा है, ये डिपेंड करता है बिहेवियर, बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है, ना कि उस स्टिमुलस पे डिपेंड करता है जिस पर कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। स्किनर कॉल्ड दिस ऑपरेंट बिहेवियर, इसको इन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब वो काम कर रहा है किस पर, एनवायरनमेंट पे, इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और पैवलोव की कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। द बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ कॉन्सिक्वेंस, व्यवहार के बाद क्या आ रहा है, परिणाम आ रहा है। एंड द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस मॉडिफाइज द ऑर्गेनिज्म्स टेंडेंसी टू रिपीट द बिहेवियर इन द फ्यूचर। और जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो परिणाम है, उसकी प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि जो जीव है उसकी क्या प्रवृत्ति होगी, कि व्यवहार को वो भविष्य में रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो मतलब कि पूरा थीम किस पर है, री इन्फोर्समेंट पे। तो शेड्यूल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट इन्होंने बताए हैं, जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे वहां जानेंगे, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, इस तरह से करके हैं। हाँ, फिर कंसिस्ट्स ऑफ एन अरेंजमेंट टू डिटरमाइन व्हेन टू री इन्फोर्स बिहेवियर। मतलब इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ जब भी आप सही ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है तो आप उसको री इन्फोर्समेंट दीजिए, री इन्फोर्समेंट की भी शेड्यूलिंग करके आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं बिहेवियर को, डिजायर्ड शेप दे सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। तो हमको ये भी तय करना होगा कब कितना री इन्फोर्समेंट देना है। फिर स्किनर बॉक्स वॉज अ चैम्बर दैट कंटेन्ड अ बार और की दैट एन एनिमल कुड प्रेस इन ऑर्डर टू रिसीव फूड, वाटर और सम अदर फॉर्म्स ऑफ री इन्फोर्स। स्किनर बॉक्स एक चैम्बर इन्होंने बनाया था जिसमें कि एक बार या लीवर या की तरीके का कुछ होगा एपरेटस इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि प्रेस करने से एनिमल को क्या मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले, जैसे फूड मिल जाए, वाटर मिल जाए, या किसी अदर टाइप का रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन मिल जाए। फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर अलाउड एक्सपेरिमेंटर्स नॉट मियरली टू रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स बट एक्वायर अ रिकॉर्ड ऑफ एनिमल बिहेवियर। मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर सिर्फ ये ना हमको बताए कि रिकॉर्ड रखे कि इंडिविजुअल ने कितनी बार ये किया, बट मतलब पूरा उसका सतत क्रम क्यूमुलेशन में रखे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तभी तो वो एक्सपेरिमेंट हम देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर रेडिकल बिहेवियरिज्म, क्यों इनको रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जा रहा है, ये कह रहा है ऑल ह्यूमन बिहेवियर पब्लिक एंड प्राइवेट इज एक्सप्लेन इन इट्स टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनल रिलेशंस विद एनवायरमेंटल इवेंट्स। यानी कि एनवायरमेंट पे सबसे ज्यादा इम्फेसिस इनके बिहेवियरिज्म में है और ये रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं। फिर टीचिंग मशीन्स मेनली ए प्रोग्राम विच वॉज अ सिस्टम ऑफ कंबाइंड टीचिंग एंड टेस्ट आइटम्स टू द मटेरियल टू बी लर्न। इन्होंने कहा कि भाई हमको जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने रखना है और फिर वो उस पर रेस्पॉन्ड करेगा, फिर वो सही रेस्पॉन्ड करेगा तो हम उसको रीइन्फोर्समेंट देंगे, तो उसके लिए भी तो कोई मशीनरी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए इन्होंने टीचिंग मशीन बनाई क्योंकि तब कंप्यूटर्स नहीं थे। तो एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इन्होंने टीचिंग और टेस्ट आइटम को बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जा सके।
और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, ये तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और टेक्नोलॉजी में मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको वहां से देख सकते हैं कि लर्निंग इन मैनी एरियाज इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाई स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स विद इमीडिएट रीइन्फोर्समेंट। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में अधिगम को हम कैसे सबसे बढ़िया अचीव कर सकते हैं, जब हम क्या करें, छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाएं और तुरंत पुनर्बलन दें। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बुक्स ही लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, देखिए कितनी सारी बुक्स हैं। सबसे पहली किताब ही लिखते हैं 1938 में, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर वॉल्डन टू ये लिख रहे हैं 1948 में। वॉल्डन टू इनका बहुत बढ़िया नॉवल है, ए नॉवल ऑन लाइफ इन ए यूटोपियन कम्युनिटी मॉडल्ड ऑन हिज ओन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ओके, फिर साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर लिख रहे हैं 1953 में, वर्बल बिहेवियर 1957 में, द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर 1961 में। और उसके बाद देखिए बाद में एक ऐसे टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पर भी किताब लिखते हैं, जब ये टीचिंग मशीन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, ये 1968 में लिखी जा रही है। फिर बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी में ये बात करते हैं, जब हमने बात की थी बिहेवियरिज्म की तब मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो फ्री विल से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, किससे डिटरमाइन हो रहा है, इन्वायरमेंट से हो रहा है, इसीलिए बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी हमारा बिहेवियर है। फिर बहुत सारे आलोचक इनको मिलते हैं, नोम चोम्स्की के रूप में और भी बहुत सारे आलोचक हैं बिहेवियरिज्म के, तो बहुत आलोचक निकले, तभी तो कॉग्निटिविज्म आया। तो ये उनके लिए किताब लिख रहे हैं, आंसर्स फॉर माय क्रिटिक्स 1973 में। फिर ये ऑटोबायोग्राफी लिखने लगते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ माय लाइफ 1976 में, द शेपिंग ऑफ ए बिहेवियरिस्ट, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट हैं तो इन्होंने कैसे शेप लिया उस पर ये किताब लिख रहे हैं, द शेपिंग ऑफ ए बिहेवियरिस्ट 1979 में, अ मैटर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज 1983 में, और एकदम अपनी मृत्यु से पहले भी ये एकदम मतलब सतत क्रियाशील रहे पढ़ने लिखने और लिटरेचर प्रोड्यूस करने में, तब ये लास्ट किताब इनकी आ रही है, रीसेंट इश्यूज इन द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। कितना लिटरेचर इन्होंने साइकोलॉजी को प्रदान किया, ओ माय गॉड। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या दें हम बीएफ स्किनर साहब को, कि हिज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट रिमेन्स अ क्रिटिकल डिस्कवरी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनकी थ्योरी में कुछ है तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कब देना है, कितना देना है, और कैसे आप रीइंफोर्समेंट दे देकर आप बिहेवियर बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, डिजायर्ड बिहेवियर जैसा आप चाहते हैं। ही बिलीव दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाज अ ग्रेट टूल फॉर शेपिंग बिहेवियर एंड आइडिया स्टिल वैल्यूड इन न्यूमरस including educational institutions। आज भी हम लोग अपने कक्षा कक्षों में अपनी कक्षाओं में positive reinforcement देके desired behavior को हम लोग क्या करते हैं, reinforce करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Skinner's beliefs are still being promoted by the B.F. Skinner Foundation which is headed by his daughter now। यानी कि अभी भी उनके नाम से B.F. Skinner Foundation चलता है जिनको उनकी पुत्री इस वक्त देखती है और behaviorism और उसके principles को promote करती है। ओके, तो ये एक बैकग्राउंड ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना बीएफ स्किनर के बारे में था जो कि हमको पता होना चाहिए था, तब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ओके, सो आई थैंक यू स्लाइड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डन फ्रॉम माय साइड।